हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जावत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, टेंथ फिजिक्स का हमारा 9th लेक्चर रहने वाला है। आज की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका अगर आपको बेसिक कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कैसे इसका जो इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन होगी, उस चीज़ की इमेज की जो बातें हैं वो तो आज के लेक्चर में होंगी। इससे पीछे की जो क्लास है, 8th जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि रियल में हमारे जो लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज हैं, वो क्या होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, बेसिक जो बातें थी, वो पिछले लेक्चर में मिल जाएंगी। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है वहाँ से मिल जाएगा, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप जो आपकी 10th फिजिक्स की एक 10th क्लास फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उन लेक्चर्स को, किसी भी एक लेक्चर को वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम थोड़ा बेसिक से एक बार बात कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट की अगर पिछली क्लास अभी तक देखी हुई ना है, तो हमारे पास जो था कॉन्वेक्स लेंस कैसा था, ये हमारे पास क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था, और इसके बीच से जो है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो थी ये निकल रही थी, और ये कोई ऑप्टिकल सेंटर था हमारा, ठीक है। ये हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब बात करते हैं हम, इसमें हमने क्या पढ़ा था, दो इसके फोकस होंगे, ठीक है, इस तरफ भी फोकस होगा, इस तरफ भी फोकस होगा, और उस तरफ एक 2f2 होगा, इस तरफ आपका 2f1 होगा। तो जिस डिस्टेंस पर एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप अपने नोट्स जो भी आप अगर तैयार कर रहे हैं, तो प्रॉपर मेजरमेंट्स पेन की बजाय आप पेंसिल का यूज़ करो, इरेजर, शार्पनर और आपका स्केल जो है उसको यूज़ करो, और डायग्राम जो आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तो तभी आपकी जो इमेज जो बनेगी इसकी वो प्रॉपर आएगी, नहीं तो वो आगे पीछे बनेगी और आपको जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वहाँ पर क्रिएट हो। मान लेते हैं कि आप आपके स्केल पर जो है यहाँ पर ओरिजिन जो था इसका, ये ऑप्टिकल जो सेंटर था, इससे आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह आपका कोई F2 फोकस है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे 2F2 जो है आपका कोई पॉइंट, ठीक है। इस तरफ अगर हम बात करें, 2 ही सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरफ आपका F1 सेंटर है, और 2 सेंटीमीटर की दूरी इससे, तो वो हमारा आपका क्या है, 2F1 सेंटर कोई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा होता है, बीच से मोटा कॉर्नर से ये पतला होता है। इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन जो हम इसको देखेंगे, उसमें इमेजेस हमारी कैसे फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट जो इसका केस है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इन्फिनिटी पर रखा गया है, फर्स्ट केस, वेहन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वहां से हमारे इस प्लेन तक पहुंचने तक, जो अपना लेंस है यहां तक पहुंचने तक, वो रे कैसी आएंगी, 2 रे आई, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जो भी पैरेलल रे जो आएगी आपकी, वो कहाँ से निकल करके जाएगी आपसे, वो आपके फोकस F2 से जो है वो होकर के आगे रिफ्रैक्ट होंगी और आगे निकल जाएंगी, ठीक है। मीट कहाँ करेंगी वो आपके, वो हमारे इस F2 फोकस जो है इसके ऊपर आकर के मीट करेंगे। ऐसा क्यों है, इसकी हमने प्रॉपर्टी जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उससे था कि कोई भी रे जब पैरेलल आती है आपकी चल करके, वो कहाँ जाएगी, वो आपके फोकस से जो है वो पार हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा इमेज जो है, अब इसकी इमेज की बात करें, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, किस साइज की हुई है, वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अबाउट इमेज जो है वो क्या होगी आपकी, फर्स्ट जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, चार चीज़ें जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपकी इमेज, आपकी क्या है, कहाँ पर बनी है, एट F2, ठीक है।
आपकी इमेज जो फॉर्म हुई है वो कहाँ हुई है? F2 के ऊपर हुई है। नेक्स्ट आपकी क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी इमेज आपकी कैसी है? ये जो लाइंस हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइंस हैं आपकी, ये रियल में मिल रही हैं, रियल में एक दूसरे से मीट की, तो ये हमारी इमेज कैसी होगी? रियल होगी। जब आपकी इमेज जो है वो रियल है तो वो आपकी कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। पिछली क्लास जो थी आपकी मिरर से रिलेटेड, उसमें भी हमने इस बात के बारे में डिस्कस किया था, ये बहुत छोटी इमेज होगी आपके ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। पॉइंट साइज भी जो है इमेज, इसका साइज जो है होगा पॉइंट साइज, ठीक है। इसकी जो इमेज की अगर हम इसको जो हम अपनी आईज से, ओपन आईज से इसको हम देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हम लेंसेज का, अदर जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करेंगे, तभी हमें इसकी जो इमेज है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, फोकस F2 पर होगी, क्यों? ये जो आपका सेकंड फोकस जो जिसको हम बोलते थे, इस फोकस पर होगी, और ये कैसी होगी? आपकी पॉइंट साइज्ड होगी, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि ऑब्जेक्ट जो कहीं दूर इन्फिनिटी पर जब रखा है तो ये जरूरी थोड़ी है कि रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन जो दो रे निकल करके आएंगी, वो दोनों रे जो आपकी वो कैसी आएंगी? वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। वो रे यहाँ से भी आ सकती हैं, वो रे यहाँ से भी आ सकती हैं, लेकिन ये दोनों जो रेज हैं एक दूसरे के हमेशा पैरेलल पाई जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये दोनों जब आपकी ऊपर नीचे मान लेते आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, दोनों ऊपर से आई, तो आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर होगी और क्यों होगी, कैसे होगी? तो आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन है, ये जो आपका प्लेन है ना F2 प्लेन, ये प्लेन, इस प्लेन के अंदर ही होंगी, ठीक है। कैसे होंगी? वो जो ये लाइन है, ये हमारा कैसा है, ये 3D प्लेन जो है मैंने इस पे बनाया है, ये जो अगर आप इस चीज को मान लेते हैं कि कोई एक इसकी जो है वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट और लेंथ जो है आपकी तीनों दी गई है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी दी गई है, इसकी मोटाई कहें, इसकी हाइट कहें, वो क्या दी गई है आपको, वो ये थर्ड जो है वो दी गई है। जब इस प्लेन को आप कट करते हैं तो देख कुछ ऐसा ये दिखेगा, क्योंकि इसकी जो है ये साइड भी होगी, कोई ये फेस भी है आपका, इसका ये फेस भी है, पीछे का फेस भी है, और नीचे का या ऊपर का फेस भी, यानी कि ये एक आपकी रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल नहीं, क्यूबॉइड जो है ये निकल करके आआएगा, ठीक है। इसके एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अंदर, तीनों प्लेन्स के अंदर जो है ये हमारा ये लाई करेगा, तो इस वजह से जो है वो जो रे आएंगी वो अगर ऊपर से आता है तो आपकी जो फॉर्मेशन है वो इसी पॉइंट के इसी इसमें आपकी लाई करेगी, कुछ यहाँ से इस शेप में इस तरफ, अगर नीचे से आता है तो वो ऊपर की तरफ करेगी, ठीक है, बट करेगी आपकी इसी प्लेन के अंदर, F2 पर जो कोई प्लेन रखा है उस प्लेन के अंदर ही आपकी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है वो क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से आए 2F से पीछे, लेकिन किसी फिक्स्ड पॉइंट पर आ जाए, इन्फिनिटी से चल करके 2F से पीछे जो आपका वो कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पर है, तब क्या इमेज की फॉर्मेशन होगी? ठीक है, ये आपका जो है, नेक्स्ट हम अगर जब इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इज बियॉन्ड 2F1, तो ये आपका नेक्स्ट केस है। इसमें हमने क्या रखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 से पीछे कहीं फिक्स्ड पॉइंट पर वो रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी से आगे है लेकिन 2F1 से अभी भी वो पीछे है, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी? तो फर्स्ट जो रे आपकी निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? वो आपके पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो आपके जो फोकस था अपना F2 इस फोकस से होकर के रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन उसमें होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्योंकि हमें कोई भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड थी जब हम मिरर के अंदर इमेज बना रहे थे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होंगी, लेकिन दो इमेज जो रे हैं उनकी आपको ज़रूरत होगी, मिनिमम से मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जब आप रखेंगे तो
तो हमने जो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकलेगी वो डायरेक्ट अनडेविएटेड होए हुए वो सीधा निकल जाएगी। तो वही काम इस पर करेंगे। यहाँ से अगर हम एक रे निकाल करके लाए तो हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन हुई वो कहाँ पर हुई, F2 और 2F2 के बीच में हमारी इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, और ये कैसी होगी आपकी, ये ए डैश ये बी डैश आपका, ये हमारी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। और आपकी क्या होगी, इसका साइज जो है, इसका जो साइज अगर आपने प्रॉपर मेजरमेंट ली है तो ये थोड़ा सा स्मॉल डिमिनिश्ड जिसको हम बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हमारी कुछ जो है आपको दिख भी रही होगी। इसमें अगर मैंने थोड़ा प्रॉपर जो है आपकी मेजरमेंट्स नहीं ली है, रफली जो मैंने ड्रॉ किया है इस वजह से कम दिख रहा है। आपकी नोटबुक में जब आप बना रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा क्योंकि आपने जो इसका ये जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर लिया है, तो इसलिए आपको इजीली दिख भी रहा होगा कि आपका इसका जो साइज है वो कैसा आ रहा है। ये पहली चीज़ तो आपकी ये कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इन्वर्टेड रियल, क्योंकि रियल में मीट हो रही है इन्वर्टेड रहेगी। और लास्ट आपका क्या है, पॉइंट साइज की जगह ये कैसी बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड किसको बोलते हैं हम, जब साइज किसी से छोटा होगा, जब आपका इमेज जो आपकी छोटी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से, तो हम उसको क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे या स्मॉल इन साइज भी लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, जब आपका ये ऑब्जेक्ट 2F1 पर आ जाए तब क्या होगी। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के ऊपर है तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। तो हमारा मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। एक और बात स्टूडेंट्स, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपके इस लेंस से या मिरर, जो भी आप किसी भी टर्म में आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन करें, तो वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा ले लेंगे तो वो रे जो है आकर के वो इस पर टकराएगी नहीं, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और इस पर आकर के इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका जो साइज है वो हमेशा छोटा लें। या आपका ए बी आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा 2F1 पर, हमने एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी। ठीक है, या आकर के इस पर इंसिडेंट हुई और ये आफ्टर इंसिडेंट आपको पता है कहाँ जाएगी, ये हमारी F2 जो हमारा फोकस था इससे निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी यहाँ से निकल जाएगी, ये आपकी F2 फोकस से निकल जाएगी। और आफ्टर जो हमारी सेकंड जो हम रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं तो आपकी कहाँ से क्या निकलेगी और इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये आपकी सेकंड जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से रे निकाली है तो यहां से निकलेगी। आपकी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होगी, 2F2 के ऊपर जो है आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। और जब आपका ऑब्जेक्ट कहां था, 2F1 के ऊपर था, तो यहां पर जो इसका साइज आएगा वो सेम साइज होगा आपका, ये ए डैश बी डैश है, इसका जो साइज है इमेज का साइज वो कैसा है, सेम इन साइज और एट कहाँ है आपकी, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। ठीक है, ये आपका 2F1 के केस में इमेज की फॉर्मेशन जो आपकी कहाँ हुई, 2F2 पर, इमेज कैसी आपकी रियल में मीट कर रही है, तो ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड नीचे की तरफ बनी है इसलिए, और सेम क्या हुआ उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो ये हमारा थर्ड केस था।
जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपने नोट भी किया होगा, हम इन्फिनिटी से आगे की तरफ लेकर के आ रहे हैं, हमारी इमेज जो है वो पीछे की तरफ बढ़ती जा रही है। फर्स्ट हमारी कहाँ थी, एफ टू पर थी, नेक्स्ट आपकी एफ टू और टू एफ टू के बीच में आई, नेक्स्ट आपकी कहाँ गई, टू एफ टू पर आ गई, और साइज जो था छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर बड़ा, अब ये इक्वल टू कहाँ आ गया आपके ऑब्जेक्ट के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि नेक्स्ट आपका जो फोर्थ जो केस है उसमें क्या होगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी वो क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 और f1 के बीच में कहीं पर रखा है, मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं रखा है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रे है वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर के कहीं हमारी आगे निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या होगी, नेक्स्ट जो रे होगी आपकी उसको हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ चली जाएगी, वो सीधा एज इट इज चली जाएगी, और कहाँ पर जाकर के मीट करेगी आपकी, वो आपकी आपका जो 2f2 था उसके बिहाइंड या उसके बियॉन्ड जो है वो जाकर के मीट करेगी। ठीक है, आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी ये ए डैस ये बी डैस, और इसमें क्या होगा आपका, और ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट था, कहाँ रखा था, 2f1 और f1 के बीच में, या आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ था, या आपकी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकली है, या आपकी जो थी आपकी रे कहाँ से निकली थी, ये हमारी फोकस जो एफ टू था उससे निकली थी। तो आपका इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो क्या आएगी कि 2f2 के बियॉन्ड आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, बियॉन्ड 2f2 आपकी इमेज फॉर्म हुई है, रियल एक्चुअल में मीट की है तो इसलिए रियल होगी, इन्वर्टेड है, और क्या है उस साइज से, इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से वो कैसा आपका बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनलार्ज। ठीक है, साइज भी इसका क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एनलार्ज लिखते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहाँ से देखना स्टार्ट किया था, एफ टू पर पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा रहा, एफ टू पर टू एफ टू पर सेम आ गया ऑब्जेक्ट की जैसा साइज। अब 2f2 के बाद जो बाहर निकली है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज हमें बड़ी जो है वो मिलती जा रही है। तो आपने बना लिया होगा, आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं हमारा। तो आपका जो नेक्स्ट केस है उसमें हमें क्या कहा गया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट F1 जो पॉइंट था आपका F1 जो फोकस है इसके ऊपर रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर आया, यहाँ से आपकी जो रे थी वो लेंस पर गई, लेंस से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ से निकल जाएगी आपके इस फोकस F2 से जो है वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो ये क्या हो गई आपकी, ये दोनों जो रे हैं आप इसको जो है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये कम नहीं होगा, ये इक्वल रहेगा, ये पैरेलल चली जाएंगी। तो जब पैरेलल आपकी जो है इमेज जो रेज हो जाती है तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होगी आपकी, ये आपका ए बी है तो आपकी कहीं पीछे जा कर के किसी पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर जा कर के वो मीट करेंगी, ऐसा हम मानते हैं। तो रियल में अगर आपकी मीट करेंगी, क्योंकि वो पीछे जा कर के कहीं रियल में मिलेंगी, उस तरफ थोड़ी गई हैं, वो रियल में कहीं मिलेंगी मान करके चलते हैं, तो आपकी जो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, फर्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी जो हमें इमेज फॉर्म्ड होगी मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी क्योंकि नीचे की साइड मिल रही है, और जो साइज है आपका वो क्या होगा, एनलार्ज तो होगा लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे, हाईली एनलार्ज। ठीक है, हाईली एनलार्ज जो है इसका साइज होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वो लास्ट जो केस है, सिक्स्थ केस, जब हमारा F1 जो ऑब्जेक्ट है F1 और जो ऑप्टिकल सेंटर O है
इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लाई करे, तब हमारी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहां पर हो। ठीक है, F1, 2F1। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O और ये आपका F1 है। अब हमारी इमेज की फॉर्मेशन हमने कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है, यहाँ पर रखना है। ये मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर हमने रख दिया। ये हमारा B पॉइंट, ये A भी जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमारे पास फर्स्ट जो रह गई वो कहाँ से जाएगी, ये गई और कहाँ जा करके टकराई, F2 पर से होकर के ये हमारी रिफ्रैक्ट निकल जाएगी। अब सेकंड अगर हम देखते हैं तो वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर O से होकर के निकल जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कैसी रेज के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा आपका, ये डाइवर्जिंग शो हो रही थी। ये आपकी कैसी होंगी, डाइवर्जिंग रेज होंगी। तो डाइवर्जिंग रेज का आपको पता होगा, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये कहीं पर भी जाकर के मीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक दूसरे से एक दूर जाती जा रही हैं, तो ये जाकर के आगे कहीं पर मीट होने की इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से हम इन रेज को जो है वो बैकवर्ड जो है फॉर्म करते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है इंक्रीज करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, तो ये कहाँ पर जा करके आपकी मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो आकर के वो कहीं पर मीट होंगी, ठीक है। तो अभी यहां पर आपकी फॉर्मेशन हुई है, तो ये आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट था, ये ए डैश बी डैश जो आपकी इमेज आ गई। तो इसमें अगर हम अब अपनी ठीक है, ये आपकी यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। अगर अब हम इसमें इमेज की इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्या होगी आपकी इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ऐसा ही एक केस हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, मिरर के केस में भी डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या लिख दिया था कि बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन यहाँ तो लेंस है, इसमें दोनों तरफ जो फोकस है दोनों तरफ आपका वो बना हुआ है, तो इस वजह से हम ये तो लिख नहीं सकते कि हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हुई, बिहाइंड द लेंस, ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते। लेंस तो आपका ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसके अंदर से जो आपका ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर से आपकी लाइट की जो रे थी वो निकल रही थी, तो इस वजह से आपकी जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कैसी होगी, ये इमेज की जो इंफॉर्मेशन आप देंगे तो वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है हमारी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइड में ही हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो हुई है, क्या? या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि सेम साइड इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो कैसी है, या आपकी इमेज की जो हमने फॉर्मेशन की है वो कैसी की है, वो रियल में मीट नहीं कर रही थी, हमने इनको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी इमेज की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल, क्योंकि ये झूठी इमेज है। ठीक है ना, ये झूठी इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, रियल में लाइन्स जो है वो कट नहीं कर रही थी, हमें इमेज चाहिए थी इसलिए हमने उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास इमेज आई। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट में क्या आया, हमारे पास आया कि इसका जो साइज है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट ये है इससे कहीं बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज। ठीक है, साइज एनलार्ज है, और जैसा कि हमें पता है कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसी हुई है, अपवर्ड हुई है, अपराइट हुई है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे या फिर अपराइट। ठीक है, इसको जो हम बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में वो ज्यादा लिखा मिलता है, क्या मिलता है,
इरेक्ट जो है वो लिखा हुआ मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इरेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ताकि कम भी लिखना पड़ेगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो हमारी ये क्योंकि इमेज की फॉर्मेशन कैसी हुई है, पहले हमारी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रही थी, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था इस तरफ, इमेज की फॉर्मेशन नीचे की तरफ हो रही थी, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे इन्वर्टेड इमेज, लेकिन इमेज हमारी ऊपर की तरफ बनी है, सीधी बनी है, ऊपर ये बनी है, तो इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं इरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक बात और, हमने पिछली जो मिरर की क्लासेस थी उसमें भी देखा था, यहाँ भी पढ़ा है कि जब भी वर्चुअल इमेज बन रही है तो आपकी कैसी बन रही है इरेक्ट बन रही है, और जब भी आपकी कोई रियल इमेज बन रही है तो वो कैसी बन रही है उल्टी बन रही है, वो कैसी बन रही है आपकी इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आज के एक लेक्चर में बस यहीं तक था, बाकी इसका आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं, जब आपकी इमेज जो ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी पर था तो इमेज जो आपकी एफ टू पर फॉर्मेशन हुई थी उसकी, नेक्स्ट जैसे हम इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट था आपका वो 2F1 से पीछे यहाँ कहीं लेकर के आए तो आपकी जो फॉर्मेशन थी F2 और 2F2 के बीच में हुई, नेक्स्ट जब हमने 2F1 पर उस ऑब्जेक्ट को रखा तो आपकी इमेज जो है वो 2F2 पर हुई, ऐसे ही आपकी 2F1 और F21 के बीच में जब हम उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर के आए थे आपकी इमेज की फॉर्मेशन 2F2 से पीछे चली गई थी, नेक्स्ट F1 पर लाए तो वो आपकी कहाँ चली गई थी, वो हमारी इन्फिनिटी पर चली गई, और जैसे ही हम F1 से और आगे लेकर के आए तो वो हमारी सेम साइड चली गई जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस रखा था। ठीक है, तो ये होगा। साइज की बात करें तो पॉइंट साइज से इसने चलना स्टार्ट किया, फिर पॉइंट से बड़ी लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी आई, फिर हमारी सेम साइज आया ऑब्जेक्ट के इक्वल आई फोकस पे, इसे 2F2 और 2F1 पर जब डिस्कस किया ऑब्जेक्ट को रख करके, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इमेज आई वो कैसी आई, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी आई, एनलार्ज आई, 2F2 से पीछे चली गई थी, और उससे नेक्स्ट जो है आपकी हाईली एनलार्ज आई थी जब वो पैरेलल इन्फिनिटी पर जा करके मिल रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपका कमेंट जो है वो पढ़ लूँगा, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर जो आपको ईमेल आईडी का जो ईमेल एड्रेस जो दिया गया है तो आप उस ईमेल एड्रेस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी डाउट जो भी आपका आता है, कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आपकी 10th क्लास के हिसाब से मैंने ये सारा कुछ कवर करवा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट जो है, कुछ एक स्टूडेंट्स की मैंने पिछली क्लासेज में जो है नोट भी किया इस बात को कि वो कुछ ज़्यादा ही डीपली उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस अब आपकी 10th क्लास के 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से उस लेवल तक सोचेंगे, उस बात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए हम आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाते, क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीज़ दी गई है हम उसी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर दें, मैं वहाँ से आपका वो डाउट जो भी है, नेक्स्ट एक मिसलेनियस नाम से आपका एक लेक्चर बना दूंगा मैं, उस लेक्चर में वो सारे डाउट्स जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। Thank you and take care.